में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊँ, जब एकदम गर्मी पड़ती है ना, पानी कम रह जाता है तो दाना एकदम छोटा रह जाता है, जब पछुआ चलता है तो छोटा रह जाता है। ये 50 बजार की खासियत क्या है, इसमें हीट टॉलरेंस बहुत अच्छा है। आप बाजू का भी एक कोई गेहूँ देखिए, इसका दाना निकालिए और इसका निकालिए, इसका दाना बहुत क्लीन निकलेगा। चार अवस्था ऐसी है जिसमें पानी होना चाहिए। एक तो जब वो फूट पे आए टिलर, जब वो फूट आता है नीचे से, एक तब पानी चाहिए। दूसरा जब वो बूटिंग में है, जो बाली आप देखो ना तने के अंदर से दिखने लगती है, तब एक पानी चाहिए। तीसरा जब उसमें फूल आ जाए, ऊपर निकल आता ना थोड़ा थोड़ा, तब। और चौथा जब दाने में दूध भर जाए। ये चार समय पे पानी बहुत जरूरी है। कई बार किसान का एक ना एक चीज मिस कर देता है, कोई शादी में चला गया, किसी की मोटर खराब हो गई। नहीं ऐसा नहीं है बाबू जी, देखिए हम लोग बहुत सारे ट्रायल लगाते हैं, लेकिन सर्दी में जाग चाहे तब सिंचाई करो। हाँ नाली में सिंचाई हो जाए, खेत ना फूले, नहीं साहब यहाँ फूल जाएंगे नहीं। देखिए क्या होता है, गिरता है 100%, लेकिन ये इस जात के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये जिसमें लॉजिंग नहीं होती, दूसरा क्या इसका तना बहुत मजबूत है, गिरता होगा, इसका तना मजबूत है। दूसरी चीज क्या, इसकी हाइट कम रहती है, इसलिए आप इसको दीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। आप बिल्कुल ये चार पानी अगर आपने दे लिए तो आपका उत्पादन सपोज 20 क्विंटल मिलता है तो आपका उत्पादन कम से कम 24-25 क्विंटल पहुंच जाएगा, कम से कम। मगर यहाँ तो है देखो, वो देखो दाढ़ी वाले खड़े हैं कि नहर की सिंचाई साहब फ्री है, नहर आजो बह रहा है, मगर दिन पानी साहब देंगे कि कहेंगे यहाँ दाना पतला हो जाते हैं। नहीं नहीं दाना देखिए, ये कंडीशन पे आप दोगे ना, बता रहे हैं ये चार स्टेज अगर पानी दोगे, जब कल्ला फूटेगा ना तब पानी दोगे तो क्या होगा, पौधे का पूरे कल्ले अच्छे आएंगे। दूसरा जब उसमें बाली निकलने की होती देंगे तो क्या बाली अच्छी आएगी। तीसरा जब फ्लावर देंगे ना तो उसमें दाना अच्छा बनेगा, और जब दूध अवस्था में होगा तब आप देंगे तो पूरा दाना क्या है, पूरा दाना अच्छे से बन जाएगा, इसीलिए ये चार अवस्था कहा जाता है। ये तो है जैसे कि यही से देखो वो है, तो मैं देखो इसकी आधे दाना है, अब देखिए उसकी हाइट ज्यादा है तो आपको लगता होगा शायद गिर जाए। दिमाग किसान के पहले ज्यादा पानी देंगे तो गिर जाएगा। मैं सूख गवा का मतलब साहब आप बाजू में अभी मैं गया था उस खेत में, इधर तो नहीं गया हूँ, वहाँ का मैं दाना लेके आया, एकदम श्रिंक हो गया। ये क्या हीट टॉलरेंस, गेहूँ में क्या है, अर्ली जात लेट जात से मतलब नहीं है, उसके अंदर गर्मी सहने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें क्या, इसको आप अर्ली भी लगाओ लेट भी लगाओ, दोनों में ये अच्छा है। मानते हैं लेट भी बुवाई हो सकती, दिसंबर की भी नवंबर की भी, अर्ली लगाओ लेट लगाओ, कुछ वेरायटी ऐसी होती है अर्ली में ही काम करेगी, जैसे 50-60 है हमारा, हम उसको बोलते हैं अर्ली में ही लगाओ, लेट में मत लगाओ, वो अर्ली है इससे 8 दिन, लेकिन तब भी हम बोलते हैं उसको अर्ली में लगाओ। और कुछ आपको देखना है इसमें बताइए कुछ आप। देखिए दूसरा क्या है कि आपको बाली भले ही छोटी लग रही होगी, लेकिन ये जो है ना बहुत ठसी हुई है, बहुत सारे गेहूं की बाली बड़ी होती है लेकिन ये दूरी बहुत होती है, दूरी दूरी पे दाना बैठा है, देखने में बड़ा होता है लेकिन उत्पादन नहीं आता है, ये एकदम ठसा हुआ बाली दाना तो दूरी दूरी बैठा था, जैसे कुछ हाइब्रिड के हैं। उन्नीस से 20 स्पाइक है, करीब 50 से 60 दाने होने चाहिए, 55 से 60 दाने, 3 सेट का है ये। और अब आपको कुछ कहना है, आप लोगों को कुछ बताना है, आपको कुछ डिस्कस करना है, ये तो हमने बोल दिया, आपको कुछ हो तो आप बोलिए, तो हमको ज्यादा मालूम कैसा लग रहा आपको दाना? नहीं दाना बहुत बढ़िया, जबकि एक पानी का है साहब, एक पानी और दे दिया जाता है तो दाना पूरा हो जाए। ये वो जो बताया कि दूध जब बनत रहा तब सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे उस टाइम दिन जात है। आप देखो पंजाब हरियाणा में गेहूं का उत्पादन क्यों ज्यादा आता है, उसका कारण यही है।
नहीं, हमने कई जगह बोला किसान पानी बोला, कई किसान दिमाग बोले सब सफेद पड़ जाए, अनिल ढंग से काटे ना, नहीं कुछ काम अनिल कही देख कर चले।